फ्री वॉस फीस्ट कैसा लगा सब लोगों को? वो सब क्या बोल दे सब लोग, पब्लिक पहुंच जाओ सब लोग, आ रहे आ रहे, ज्वाइन होने लग गए। ये व्हाट इज अप क्या बोलते सब लोग, क्या चालू है, क्या चालू है ये। हाय हर्ष, व्हाट्स अप अबू अकबर, व्हाट्स अप ब्रो, इट्स प्रशांत, बाय बाय बिग लव ब्रदर, इब्राहिम शेख, व्हाट्स अप अभिलाष गुप्ता, हेलो पंकज, हे संतना कुमार, हे व्हाट्स अप ब्रो, टंटना व्हाट इज अप, शुभम रावत, हाय, आई एम सॉरी मैं आजकल आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, वरना मैं पहले लाइव आता था, सबसे बात करता था और काफी टाइम दे जाता था, बट आप लोग भी समझ रहे हो मेरे को म्यूजिक भी बनाना है, लाइव भी करना है, बहुत सारी चीजें हैं, सो बट लेकिन आज मैं लाइव आया हूँ स्पेशली आपका नाम पढ़ने में। क्या बोलते हो सब, ए सागरी का, वो सब चित्रांश, उड़ाप फायर स्टिक्स, सब दिया जोशी, हेलो हेलो, काफी लोग टॉक टॉक तैयार है, पढ़ रहे तो फटाफट नाम डालो। सो आज मैं लाइव आया हूँ स्पेशली, आज तो काफी बात करना है अपने को, आज काफी हेक्टिक डे रहा कल का, और फन डे भी था, बहुत मजा आया। मैं और मेरी टीम काफी, अभी तक सोया भी नहीं हूँ मैं, बस ऐसा ही बोलो तो। सो इट वॉज फन डे कल, बहुत मजा आया। कोलकाता बिग अप्स टू ईच एंड एवरी वन आउट देयर, कोलकाता की पब्लिक बोले तो तकलीफ एक नंबर, इट वॉज फन, क्रेजी फन, थैंक यू सो मच कोलकाता। लास्ट टाइम मैंने कोलकाता में परफॉर्म करने के लिए आया था मैं, बट उस टाइम बारिश हो गई थी, बिकॉज ऑफ बहुत ज्यादा बारिश की वजह से अपना शो हो नहीं पाया लास्ट टाइम, तो मेरे को भी काफी बुरा लगा, बिकॉज काफी फैंस लोगों ने बोला कि भाई आप आए नहीं, बट बहुत बारिश हो गया था तो आप लोग को भी जाना पड़ा, और स्टेज वेज भी काफी भीग गया, सिस्टम भीग गया, तो लास्ट टाइम थोड़ा दिक्कत हो गया, तो उसकी वजह से मैं बोला कि फिर आऊंगा मैं, फिर से मचाएंगे, तो कल वो दिन वापस आया एंड कल फिर से बारिश हुआ, और बट फिर भी बारिश होने के बाद भी आप लोग वहां पे वेट किए मेरे लिए, आप लोग वहां पे इंतजार किए, और मैं इतना खुश फील किया, बिकॉज मेरे को लगा कि सब लोग चले जाएंगे, बिकॉज बहुत सारा बारिश हुआ है तो पब्लिक नहीं रुकेगी, काफी बिजली भी हो रही थी, बट स्टिल आप लोग वहां पे वेट किए एंड वहां पे सब लोग खड़े रहे और मैं आया परफॉर्म किया, वॉज क्रेजी, थैंक यू सो मच कोलकाता, सारे मेरे लोगों को बहुत शुक्रिया था, बोलना चाहता हूँ मैं, थैंक यू सो मच फॉर दिस। कल का इवेंट काफी मजेदार रहा और सब लोग से इंटरेक्शन भी काफी अच्छा हुआ, और कोलकाता पावर बहुत हार्ड है तुम लोगों में, बहुत ज्यादा हार्ड, और बाकी तो और भी काफी कुछ है बात करने, जिसके बारे में तो बात करना ही चाहूंगा भी नहीं मैं, मेरे को आजकल लाइक नेगेटिविटी पे ध्यान देना मेरे को बिल्कुल पसंद ही नहीं है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ पॉजिटिव, बट स्टिल कुछ पब्लिक रहती है जब ऐसा हरकत करती है, तो हमें उसे सुधारना जरूरी है, हमें लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है उस बारे में, तो मेरे नाम लेके काफी सारे बुकिंग्स हो रहे हैं, लाइव इवेंट गिग्स के बुकिंग्स हो रहे हैं, सो मैं पहली बात तो अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ कि कोई भी मेरे नाम का बुकिंग किसी से भी ना लीजिए, लाइक अगर कोई और इवेंट कराया है उसको देख के उसको फोन कर दिया, एम ई वे का मैनेजर, कोई भी मेरा मैनेजर बन रहा है ना, बहुत फ्रॉड है, बहुत सारे फ्रॉड्स मार्केट में हो रहे हैं, कोई भी मेरा मैनेजर बन रहा है, कोई भी फोन करके बोल रहा है कि हाँ मैं एम ई वे का मैनेजर बोल रहा हूँ, हाँ एम ई वे इतना लेगा, पैसा भेज दो, और आप लोग पैसे भी भेज रहे हो, और काफी लोग के साथ फ्रॉड हो चुका है, और फ्रॉड करने वालों मंडाए लोग गलत है, ये बात काफी गलत है, उसके लिए लीगल एक्शन भी लिया जाएगा सब तरफ से, बट एंड ऑफ द डे मैं यही बोलूंगा कि फ्रॉड मत करो और फ्रॉड मत बनो, मेरा लिंक इन बायो, मेरा इंस्टाग्राम पे चेक करो, मैंने लिंक पे दिया है, वहाँ पे मेरा मेल आईडी है, मेल एम ई वे, उस पर आप मेल करो, जो भी आपको क्वायरीज है सब कुछ मेल करो, मैंने पूरी टीम बैठाया है चेक करने के लिए, और बहुत जल्द मैं फोन नंबर भी रखने वाला हूँ, व्हाट्सएप नंबर होगा, सिर्फ व्हाट्सएप कॉल नहीं करना उस पर, सिर्फ व्हाट्सएप के लिए होगा, आप लोग का जो भी काम होगा यू कैन व्हाट्सएप उस नंबर पे, एम ई वे आपके साथ ये काम है या जो भी है व्हाटएवर, यू कैन व्हाट्सएप ऑन दैट नंबर, और हमारी टीम पब्लिक यहाँ पे चौकन्ना बैठी है, सब आपको रिप्लाई करेंगे, सब आपसे बात करेंगे, प्लीज अभी से कोई फ्रॉड नहीं बनना, मैं मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज ध्यान दीजिए, किसी को भी पैसा मत भेज दो, किसी को भी पैसा मत भेजो, सोच समझ के भेजो, कौन है, कोई भी बंटाई स्टूडियो नाम से अगर अकाउंट बना के बैठा है, कोई भी बना सकता है, आज के टाइम में कुछ भी हो सकता है, सो प्लीज आप लोग एक बार वेरीफाई कीजिए किससे बात कर रहे हो, मेरे इंस्टाग्राम में चेक करो, वहां पे दिया मेल आईडी, और बहुत जल्द नंबर भी अपडेट हो जाएगा, तो इसका स्ट्रेस नहीं रहेगा, सो ये एक चीज ध्यान दो, और दूसरी बात, देयर इज अ लिस्ट टू टॉक, आज बहुत कुछ है बात करने को, दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, कोलकाता में कुछ ऐसा हुआ जिसको लेके मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं ही नहीं, मेरी टीम और मैं, मेरी टीम ही नहीं और भी आर्टिस्ट रैपर्स
और बहुत बहुत सारे लोग थे, काफी लोगों को कल इवेंट पे बुलाया गया, फैंस और स्पेशली फैंस। मैं हमेशा इवेंट करने जाता हूँ, मैं हर एक न्यू न्यू सिटी जा रहा हूँ मैं, बिकॉज मैंने टूर करना स्टार्ट किया है इसी साल मैंने टूर करना स्टार्ट किया है। और मैंने सोचा था कि मैं जितना सिटी में हो सके मैं हर जगह जाके मैं हर एक लोगों से, मेरे फैंस लोग से मिलना चाहूँ। उस चक्कर में या हर एक सिटी स्पिन डॉग भी था इवेंट पे, या इवन ही नोज द सीन क्या क्या हुआ है। तो मैं बोला कि हर एक सिटी जा रहा हूँ, इसलिए कोलकाता का लास्ट टाइम हो नहीं पाया, इसलिए मैंने बोला कि मैं वापस आऊंगा। मैं वहां पे आया स्पेशली मेरे फैंस लोग के लिए, मैं अपनी पब्लिक के लिए आया था। और मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि इवेंट का जो कोऑर्डिनेटर है इतना बड़ा फ्रॉड होगा, इतना बड़ा फ्रॉड। लाइक सब कुछ चेक होने के बाद, सब कुछ सॉर्ट होने के बाद भी हम लोगों को भरोसा नहीं हुआ, ऐसा कभी कोई इंसान नहीं मिला हम लोगों की लाइक इतना फ्रॉड होगा। आप लोगों को बताता हूँ मैं इवेंट पे क्या क्या हुआ है, सो दैट मैं नहीं चाहता कि आइंदा से किसी और के साथ ऐसा कुछ हो। ये कोऑर्डिनेटर है कोलकाता से, सो प्लीज बी अवेयर। आप सबको तो पता ही रहेगा कौन क्या है, आई डोंट वांट टू मेक एनीवन फेमस, किसी को फेमस बनाना नहीं चाहता मैं। तो बस इतना अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ कि जो भी आर्टिस्ट है, जो भी लोग है, काफी बच्चे लोगों को कल बुलाया गया था, काफी सारे रैपर्सों को बुलाया था, काफी सारे डिफरेंट लोगों को बुलाया था, अलग अलग टाइप के आर्टिस्टों को बुलाया था, सबका परफॉर्मेंस स्लॉट था। हम लोगों को बोला गया था कि मे वे यू विल बी परफॉर्मिंग सेकंड लास्ट है ना 8:30 को, यू विल बी परफॉर्मिंग 8:30। उससे पहले काफी सारे रैपर्स है देखो ना परफॉर्म, MC अल्ताफ होगा और स्पिन डॉग का परफॉर्मेंस होगा एंड और कोलकाता के काफी सारे लोकल रैपर्स थे जो परफॉर्म करेंगे। बट उसके वजह क्या हुआ है, आई वॉज इन माई होटल, मैं परफॉर्मेंस से पहले मैं स्टेज पे आता हूँ, उससे पहले मैं होटल में रहता हूँ, मैं होटल में था और उस वक्त मेरी टीम ऑलरेडी लोकेशन पे पहुंच जाती है। सब लोग को लग रहा है कि कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड। मेरी टीम हर एक चीज 24/7, अगर मैं जहां भी जा रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड। गोप्रो नाम की छोटी चीज होती है जिसको लेके मेरी पब्लिक हर जगह पहुंच गई रहती है, ठीक है। तो इवेंट पे मेरी पब्लिक वहां पे चौकाना कैमरा लेके सब लोग रेडी थे एंड मेरे को एक कॉल आया, शितिश को कॉल आया कि लाइक वहां पे कोऑर्डिनेटर स्टेज पे चढ़ के गाना गा रहा है, रैप कर रहा है। कोऑर्डिनेटर किसी और को स्लॉट देने के बजाय वो ही स्टैंडिंग एंड इज रैपिंग। बट हम लोग ने बोला चक दैट शिट, उसका इवेंट है, हमको क्या करना है। हम लोगों ने बोला कि बताओ, मैं आ रहा हूँ, मैं अपना स्लॉट करूंगा, मैं मेरा परफॉर्मेंस, मेरी पब्लिक है वहाँ पे, मैं आ रहा हूँ। एंड देन मैंने वहाँ से निकला, फिर वहाँ पे पहुंचा मैं, फिर अल्ताफ लोगों को परफॉर्म करने नहीं मिल रहा था, स्पिंडो को परफॉर्म नहीं करने मिल रहा था, वो लोग सीन क्रिएट कर रहे थे। बट मैंने बोला कि पहले मैं और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि पहले ये लोग क्लोज करेंगे सब कुछ, इवेंट खत्म करेंगे, फिर मैं चढ़ूंगा ऊपर। बिकॉज इतने दूर से हम लोग आते हैं, हम लोग काफी दूर से ट्रैवल करना पड़ता है, हम लोग मुंबई से कोलकाता आ रहे हैं या फिर कहीं भी कोई भी सिटी में जा रहा हूं मैं, ये सब लोग के लिए राइड देता हूं मैं। एक आर्टिस्ट दूसरे सिटी उठ के जा रहा है किसी चीज के लिए, लाइक मैं मेरे फैंस के लिए उठ के आ रहा हूँ वहाँ पे, वो लोग के लिए गाना गाने के लिए आ रहा हूँ, तो आप लोग उस चीज का फायदा मत उठाओ। लाइक हम लोग यहाँ पे काफी दिल और लगा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मोहब्बत रख के आते हैं वहाँ पे कि लाइक जाएंगे नए नए शहर में और मचा के आएंगे और लोगों को सुना के आएंगे, दिखाएंगे इंडिया में कि क्या क्या हिप हॉप कैसे बढ़ेगा, म्यूजिक क्या है। ये सब करने की जगह फ्रॉड मत करो, अपने को, अपने देश को हर एक चीज से बढ़ाना यार, फ्रॉड में क्या रखा है, पब्लिक कितने दिन खाओगे उस नकली चीज का पैसा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मेरे नाम पे लोग बुकिंग ले रहे हैं वहां पे, कल कोलकाता में काफी सारे बुकिंग लिया है, क्लब डील्स हुआ है कि एमिवे मंटाए परफॉर्म करने के बाद ही विल कम टू क्लब, अपीयरेंस आएगा, 5 मिनट अपीयरेंस देके जाएगा। ये मेरे से कोई बात नहीं, ना मेरे मैनेजमेंट से कोई बात हुई, मेरे से तो बात दूर की बात, मेरे मैनेजमेंट से बात होती है, मेरे मैनेजमेंट से ऐसा कोई बात नहीं हुआ है, कोई क्लब का बात नहीं हुआ है, किधर का भी बात नहीं हुआ है, हमारा सिर्फ बात जो होता है मेल पे, एवरीथिंग इज देयर ऑन मेल, एवरीथिंग इज देयर ऑन कैमरा, कैमरा पे रिकॉर्डेड है। मैं परफॉर्म करने आया फिर, हाँ फिर मैं परफॉर्म करने आया स्टेज पे, और मेन तो ये है, हाँ मैं परफॉर्म कर रहा हूँ स्टेज पे। जब आर्टिस्ट परफॉर्म करता है स्टेज पे, और कोई स्टेज पे नहीं रहना चाहिए, ये बात भेजे पे रख लो पब्लिक, जो भी शोज कराता है, आर यू अ कोऑर्डिनेटर, जो भी हो आप, मेरा एक आप लोग के लिए एक सलाह रहेगा, अगर आर्टिस्ट इज परफॉर्मिंग स्टेज, सिर्फ आर्टिस्ट और उसके लोगों का होता है और कोई आसपास नहीं दिखना चाहिए, कैमरामैन भी है तो ही शुड बी देयर स्टेज के नीचे खड़े होकर फोटो निकालो, अनलेस अंटिल आर्टिस्ट खुद बोलता है कि ऊपर आके फोटो खींचो। तो ये चीज खाली रहना चाहिए हमेशा, हमारी टीम हमेशा इस चीज का ध्यान देती है, मेरी टीम हमेशा मेरे आने से पहले स्टेज खाली रखती है। बट कल के दिन बारिश हो गया था, उसके वजह से काफी मेस था, तो मैंने बोला माफ करो चक दैट शिट, मैं बोलूंगा मैं शो करूंगा, मेरे लोग खड़े, आई विल गो एंड परफॉर्म। मैं ऊपर आया, मैं परफॉर्म किया, वाज परफॉर्मिंग, बहुत हार्ड मजा आया, मैंने कभी लोगों को ये स्ट्रेस होने नहीं दिया, वाज परफॉर्मिंग, लोगों को मजा भी आया, मेरे को भी बहुत मजा आया। और इतने में वो इंसान वापस कोऑर्डिनेटर स्टेज पे आ जाता है, ही कम्स टू स्टेज और स्टेज पे आके हाथ दिखा रहा है एंड लड़की को लेके आ रहा है डांस करने एंड ऊपर स्पेशली दारू। आई डोंट प्रमोट एनी
दारू सिगरेट या कुछ भी हो, मैं कभी प्रमोट नहीं करता इन चीजों को, ये सब चीज हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और वो इंसान मेरे फैंस के सामने दारू का छोटा बोतल लेके आके इज ड्रिंकिंग दारू और ऊपर बोल रहा मेरा शो है, एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी, फ्लिप्ड आउट, फ्लिप आउट हो गया इंसान, लाइक आई कांट अंडरस्टैंड कि ऐसा कैसा हो सकता है। तो मेरे मैनेजर ने बोला कट करो, चलो इधर से, बस हो गया, काफी परफॉर्म कर लिया हमने, हमने काफी 8-7 गाने तो कर लिए थे हमने परफॉर्म, मैंने 2 बार मचाएंगे भी बजाते हैं पब्लिक के लिए, डिमांड पूरा हो गया कोलकाता, आप लोग से कोई बुरा फील नहीं है, कोऑर्डिनेटर की बात कर रहा हूं मैं। फिर हम लोग ने वहां से एग्जिट लिया, व्हेन वी वर गोइंग बैक उस वक्त गेट को बंद कर दिया गया, आर्टिस्ट को लॉक कर दिया है, गेट बंद कर दिया ताकि मैं बाहर ना जाऊं और मेरी टीम बाहर ना जाए। हम बाहर कैसे आए, सब कुछ आएगा डॉक्यूमेंट में दिखेगा ब्रो। उसके टीम वाले लाइक बॉडीगार्ड्स को लेके सीधा मैंने एंट्री एग्जिट, एंट्री गेट जो होता है जहां से क्राउड आते हैं, मैं उस गेट से एग्जिट किया हूं मैं, वहां से इतनी क्राउड थी फिर भी मैं, मेरी टीम को शाउट आउट टू माय टीम, शाउट आउट टू माय बॉयज आउट देयर, मेरे भाई लोग जो हर वक्त मेरे साथ खड़े रहते हैं, और शाउट आउट टू माय पीपल आउट देयर एंड शाउट आउट टू ऑल द बॉडीगार्ड पब्लिक जो वहां पे साथ में प्रोटेक्शन देते हैं, थैंक्स टू ईच एंड एवरीवन, बिकॉज काफी अच्छा खासा सॉर्ट करके वी वेंट आउट एंड कार में बैठ के मैं तो निकल गया वहां से। वो इंसान वहां पे स्टेज पे बोलता रह गया काफी कुछ, उस इंसान ने स्टेज पे भी बोला है कि लाइक ये है वो है एमवीवे के फैंस एंड ऑल, काफी कुछ मेरे फैंस लोग को चिल्लाया भी गया है कि लाइक आप लोग को समझ में नहीं आता है क्या टिकट कहाँ से मिलता है, ये मिलता है, मेरा कोई गलती नहीं है इसमें पब्लिक, मेरा कुछ शॉट नहीं है, मैंने कभी भी ऐसा हम लोग को कुछ पता ही नहीं होता है कौन क्या कर रहा है एक्चुअली, मैं सिर्फ हम लोग मैनेजमेंट बुक करती है इवेंट एंड दे जस्ट फिगर आउट कि सब कुछ सही है, ये है वो है, सब कुछ एवरीथिंग इज सॉर्टेड, सब कुछ चेक करता है, वो मेन होता है, हम लोग को ये सब पता नहीं कि इवेंट के दिन वो इंसान कोऑर्डिनेटर स्टेज पे आके वो रैप करेगा और वो डांस करेगा और दारू पिएगा और व्हाट्सअप मैन। और मेरे को तो लगता है कि लाइक ये सब चीज पे हम लोग ध्यान ही नहीं देते क्योंकि हम लोग यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए, वी आर हियर टू स्प्रेड म्यूजिक, स्प्रेड लव, स्प्रेड पीस, हम लोग लिरिकली गेम खेलते हैं यहाँ पे, लिरिकली बातचीत होती है, मैं लोगों के साथ बात करने आता हूँ, उतने में ऐसे डिस्ट्रैक्शन आते हैं तो हम लोग कुछ नहीं किए। मेरी टीम गुस्सा हो गई थी बिकॉज स्टेज पे लड़की को लेके आ रहे हो, तुम नाच रहे हो व्हेन मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो स्टेज पे लड़की लेके आया, उसने मेरे वो भी दारू पी के स्टेज में लड़की को लेके आ रहा है, तो मेरी टीम ने भी गुस्सा किया, मेरी टीम ने पुश किया, बोला कि गेट आउट ब्रो, स्टेज पे परफॉर्म ना करो, सवाल गुस्सा तो आएगा ही इस चीज में ब्रो, कोई भी स्टेज पे चढ़ेगा तो ये सब हुआ है कल, काफी सारा ट्रिप सीन हुआ है, हम लोग होटल पहुंचे, उसके बाद होटल पहुंचने के बाद उसके बाद सीन हुआ है सबका, सारे आर्टिस्टों का फ्लाइट टिकट कैंसिल किया गया, सबका फ्लाइट टिकट कैंसिल कर दिया, जितनी भी मेरी टीम थी सबका फ्लाइट टिकट कैंसिल हुआ है, और होटल का पेमेंट, खाना वाना पेमेंट वेमेंट और जो भी है, इट्स नॉट अ बिग डील भाई लोग, कितना पैसा बनना है कुछ शॉर्ट नहीं है, लेकिन छोटी दिमाग मत रखो, बात सोच को बढ़ाओ, मैं यही लोगों को बोलूंगा कि लाइक ऐसा किसके साथ मत करो, रिलेशन बनाना है तो एक मोहब्बत से करो, इंसानियत रखो थोड़ा, तो प्रोफेशनल रहो, फर्स्ट ऑफ ऑल बी प्रोफेशनल, इवेंट कर रहे हो प्रोफेशनल रहो, मेरा उनसे यही मानना रहेगा कि लाइक प्रोफेशनल रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज तुम आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो तुम भी रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट मत करो, आर्टिस्ट वहां पे मेहनत करके आते हैं और उनके गाने और उनके फैंस हैं, उनके चाहने वाले वहां पे, सो प्लीज नेवर अंडर एस्टिमेट आर्टिस्ट, कभी भी ऐसा चीज करना नहीं आर्टिस्ट के साथ। तो ये काफी ट्रिप आउट सीन हुआ है कल, तो इसलिए मैं अवेयर करना चाहता हूँ पब्लिक को कि कोलकाता का कोऑर्डिनेटर ऐसा बैड सीन क्रिएट किया था कल, और आई एम सो सॉरी ईच एंड एवरीवन पब्लिक, आई एम सो सॉरी फॉर व्हाटएवर हैपेंड टुमारो, बट कल हम यस्टरडे, बट मैंने अपने तरह से पूरा बेस्ट दिया आप लोग के लिए, परफॉर्म किया मैंने, मेरे बॉयज ने परफॉर्म किया, मिंटा ने मचाया, मीम मशीन ने मचाया वहां पे, मेरे अल्ताफ ने मचाया, शाउट आउट टू माय बॉय अल्ताफ, शाउट आउट टू स्पिन डॉग, शाउट आउट टू ईच एंड एवरीवन, जो भी रैपर्स आते सबको शाउट आउट वहां पे लोगों ने, फिर भी वहां पे अगर हम ना होते वो इवेंट होता ही नहीं, वो इवेंट बिल्कुल नहीं होता, एंड दे आर सेइंग वी डू, हम लोग ने इवेंट खराब कर दिया, वी रूइंड द इवेंट, वो लोग बोल रहे हम लोग ने इवेंट खराब कर दिया, वी हैव ऑल द फुटेजेस, सब कुछ कैमरा पे, प्लीज ऐसा झूठ मत बोलो, मैं कभी भी मेरे पब्लिक को छोड़ के बिना परफॉर्म किए मैं नहीं जाता, जब तक मामला गंभीर ना हो जाए, और ये सब शिट मत करो, दारू वारू पी के स्टेज पे आ जाओ, कोऑर्डिनेटर जाना शिट, ये सब चीज को तो हम लोग बिल्कुल भी भाव नहीं डालेंगे, समझ में आया क्या, आने तो क्या शिट ब्रो, सीरियसली We got some pointers to say. अपने कुछ pointers है ना अपने, तो public please सोच समझ के बुक करो, अगर मेरे को बुक कर रहा है शो के लिए सही जगह से बुक करना, सही इंसान को कॉन्टेक्ट करो, एंड एवरीथिंग इज देयर ऑन माई इंस्टाग्राम बायो में आपको मेल आई डी मिलेगा मेरा, एंड बहुत जल्द हम अपडेटिंग न्यू नंबर, उस पर आपको वो भी डिटेल मिल जाएगा, ऑल सेट, बाकी तो कल क्या क्या दिक्कत हुआ मैं बताता हूँ।
एक तो पहली बात कैंसिलेशन ऑफ टिकट्स, हॉस्पिटैलिटी अग्रीमेंट वायोलेशन, फ्रॉड फॉर गिविंग फॉल्स कमिटमेंट टू क्लब विदाउट आर परमिशंस, लॉकिंग द बैक गेट्स टू स्टॉप द आर्टिस्ट टू एग्जिट एंड क्रिएटिंग अ मॉब लाइक सिचुएशन, अनप्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर, और आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट तो बिल्कुल वहां पे किसी आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट नहीं मिला है, स्टेज को रिस्पेक्ट नहीं, स्टेज को रिस्पेक्ट नहीं मिला. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेज को रिस्पेक्ट नहीं मिला. किसी भी लड़के को लेके आके तुम नचा रहे हो हिप हॉप स्टेज में, क्या भाई वहां पे शीला के जमाने शिव शो दिखा रहा हूँ क्या मैं? वहां पे लोग आए रैप सुनने के लिए, वहां पे सच्चाई सुनने आए पब्लिक, ऐसा तुम्हारा वो लड़की को नचा रहे हो? आई हेट दैट शिट. मेरे को पता नहीं था ये बात, वरना मैं पहले ही देखता, मैं अभी देख रहा था, मैं घर पे आने के बाद मैंने फुटेज में देखा कि ये सब चीज हुआ है. आई एम सॉरी फॉर ईच एंड एवरीथिंग पब्लिक, माफ चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ कोलकाता, बट आई लव यू ऑल. आप लोग काफी थे वहां पे, थैंक यू सो मच, अपन ने काफी मचाया, एंड एंड अदर डे अपन ने मचा के आ गए. Now we are in Mumbai, what's up boy? मचा के आ गए. कलकत्ता भी बहुत हार्ड गया, फिर से आएंगे कलकत्ता, लेकिन अब की बार बहुत हार्ड तरीके से आएंगे और बहुत हार्ड मचाएंगे. दिस टाइम विल मेक श्योर इट विल बी अ बैंग अ शो फॉर यू ऑल. और अभी से मेरी टीम भी सतर्क हो गई है सब लोगों पे, विल डू प्रॉपर शोज, और कोई भी फ्रॉड लोगों से मुलाकात नहीं होगी इंशाल्लाह. तुम लोग भी जरा सोच समझ के करो भाई लोग, अदरवाइज ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है. मैं चिल इंसान हूँ यार, आई जस्ट वॉन्ट टू स्प्रेड पॉजिटिविटी, लव म्यूजिक बनाओ, गाने सुनाओ, मचाओ, पीस मान, पीस लाइफ में मचाते रहो. काहे के लिए इतना परेशानी, क्यों फ्रॉड करना किसी के साथ में, क्यों किसी का पैसा कहीं पे खाओ, क्यों किसी के साथ धोखा करो, टोपा पिनाओ, क्या चलो है भाई, हम बज रहे हैं मुंबई से बाहर गाओ वाओ. लोग वहां पे तो धमकी भी मिली थी हम लोग इवेंट में कि तुम मुंबई नहीं जा सकते, शेट धमकी दे रहे हो ब्रो. एंटोफिल से कहां तक पहुंच गए ले अपन भाई लोग, भारत से फैंस मेरे, हाँ बेटा बाहर गाओ तक, घर वाले कहते मुझको बेटा घर से बाहर पाओ रख, बाहर पाओ मैंने रख दिया, जो लिखता गया सब बक दिया, अब और बकूंगा तो ये आ जाएगा अपलोड हर जगह पे, एमवी बंडाई न्यू सॉन्ग करो यार, वो लोग भी एंजॉय कर रहे हैं. बट हर एक चीज भी जो भी अपलोड करते हो ब्रदर्स, जो भी मेरे कुछ भी बोलने पे अपलोड करते हो, प्लीज इतना भी ये मत कर दो कि लाइक सब कुछ रिवील हो जाए, थोड़ा तो सीक्रेट रखो. मैं मेहनत करके आप लोग के लिए गाना बनाता हूँ, एंजॉय करो, ट्रिप लो और मचाओ, और बहुत जल्द गाना भी आ जाएगा नया, तब तक ले एंजॉय एवरीथिंग इज शॉर्ट. बाकी सब और कुछ सीन नहीं है ना अपना, बाकी तो बस यही बोलूंगा कि मैं जो भी गलत होगा मैं कैमरा के सामने आके बोलूंगा. समझ में आया क्या? बी अवेयर पब्लिक, मेरी पब्लिक, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, लव टू ऑल माय फैंस आउट देयर, लव टू माय ऑल माय होमीज आउट देयर. मेरे भाई लोग के लिए भी बहुत सारा प्यार, मेरे भाई लोग भी बहुत हार्ड है, आप लोग भी बहुत हार्ड है, थैंक्स टू माय मॉम एंड डैड, ऑलवेज कीपिंग मी मोटिवेटेड, थैंक यू, थैंक्स टू. और कौन है मचाएंगे नोटिस के? पीस आउट, पीस आउट, 10K है, 10,000 पब्लिक है, एक बार 10,000 पब्लिक के लिए आवाज करो पब्लिक. Love you all. Thank you so much. Peace out.